चाइना दुनिया का सबसे छोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट विकसित कर रहा है। इस परमाणु संयंत्र का इस्तेमाल घरों में पावर सप्लाई के लिए किया जाएगा। खबर है कि इसे दक्षिण चीन सागर में स्थित एक द्वीप में स्थापित किया जा सकता है। ये परमाणु संयंत्र बगैर दोबारा ईंधन भरे दशकों तक संचालित होने में कैपेबल है। हांगकांग आधारित चीन मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक 1970 के दशक में पूर्व सोवियत संघ द्वारा अपनी परमाणु पनडुब्बियों में इस्तेमाल किए जाने वाले कॉम्पैक्ट कूल्ड थर्मल रिएक्टर की तर्ज पर चीनी शोधकर्ता 5 साल के अंदर एक छोटा परमाणु रिएक्टर विकसित करने पर गहन काम कर रहे हैं। इससे पहले आधिकारिक मीडिया ने कहा कि चीन जल्द ही तैरते हुए परमाणु ऊर्जा प्लेटफॉर्म की असेंबलिंग शुरू कर देगा। चीनी सरकार संचालित ग्लोबल टाइम्स ने चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के हवाले से बताया कि चीन की योजना 20 तैरते परमाणु ऊर्जा प्लेटफॉर्म बनाने की है, ताकि दक्षिण चीन सागर के द्वीपों में बिजली और पानी की आपूर्ति की जा सके। दक्षिण चीन सागर के द्वीप विवादित क्षेत्र हैं, जिस पर फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी दावा करते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।